देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी और गिरावट होने का सिलसिला जारी है। आज कोरोना के मामले में वृद्धि देखने को मिली है। जी हां, पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 12,881 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। आपको बता दूं कि बुधवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। कल संक्रमण के 11,610 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,881 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,09,50,201 हो गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस दौरान 101 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,014 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,56,845 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 11,987 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार 2,00,000 से नीचे बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,37,342 है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं अब तक 94,22,228 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका भी लगाया जा चुका है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।